नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज़ बीके में। मैं हूं आपके साथ आपका अपना दोस्त नवीन विश्वकर्मा। दोस्तों, चुनाव का वक्त है, मात्र 2 दिन रह गए हैं जब प्रत्याशी प्रचार प्रसार कर सकते हैं, लेकिन प्रचार प्रसार के दौरान प्रत्याशी लगातार नियमों का पालन नहीं कर रहे हैं, नियमों को तोड़ते दिख रहे हैं। कुछ ऐसे लोगों की तलाश में हम निकले थे आज सुबह के, जो देखने वाले थे कि कौन, क्योंकि आपको बता दें कि जिलाधिकारी ने निर्देश जारी किए हैं कि सभी प्रत्याशियों के लिए और जो चुनाव प्रचार कर रहे हैं, कम से कम लोगों की भीड़ लेकर जाएं, मास्क लगाएं, नियमों का पालन करें। लेकिन यहां पर कोई भी ऐसा करता हुआ दिख नहीं रहा है। ज़्यादातर लोगों को हमने देखा है कि ना तो वो मास्क लगा रहे हैं और ना वो किसी भी प्रकार के नियम का पालन कर रहे हैं। जब हमें लोग नियमों को तोड़ते हुए देखे तो हमने उनसे बात की, इसके बाद वो थोड़े से घबराए हुए दिखे और कैमरे के सामने भागते नजर आए। भैया, किन मुद्दों को लेकर जा रहे हैं जनता के लिए? जनता के बीच विकास के मुद्दों को लेकर जा रहे हैं जो हमारी सरकार करा रही है। अच्छा अच्छा, किस कहां से आप चुनाव लड़ रहे हैं और कौन सी पार्टी से लड़ रहे हैं? भारतीय जनता पार्टी का मैं प्रत्याशी हूं, दिगंत चतुर्वेदी, खैलार हमारी सीट है 11 नंबर वार्ड से। लेकिन नियमों को देखा जाए तो कहीं ना कहीं तोड़ते नजर आ रहे हैं आप, ना किसी ने मास्क लगा रखा है। आपके मुख्यमंत्री जी ने, योगी जी ने आदेश किया था, साथ में डीएम ने भी आदेश जारी कर दिया, कोरोना के मामले इतने बढ़ रहे हैं और आपके साथ टीम देख रहे हैं, हाँ, ज्यादातर मास्क नहीं लगाया, आपने खुद मास्क नहीं लगाया है, हाँ, ऐसे चुनाव लेकर जाएंगे, ऐसे नियमों की धज्जियां उड़ाएंगे तो जीतने के बाद क्या करेंगे? जीतने के बाद हमने कोई गुंडागर्दी करी नहीं है कभी। नहीं नहीं, मैं बात गुंडागर्दी की नहीं कर रहा हूँ, मैं बात नियमों के पालन की कर रहा हूँ। हाँ, गमछा लगाए आपसे बात करने के लिए इस समय? नहीं, हमने पहले भी देखा आपने मास्क मुंह को बांध कर नहीं रखा। ठीक है, नियमों का पालन करेंगे, जो हमसे गलती हो रही है उसको सुधार। साथ में आपकी टीम भी सबको लगवाऊंगा मैं, सब देख सकते हैं आप किस तरह से सत्ता दल के लोग ही नियमों की धज्जियां उड़ाते दिख रहे हैं यहाँ पर। और जब हमने बात की तो कुछ लोग यहाँ वहाँ हो गए। इसके अलावा देखिए, छोटे बच्चे भी हैं, बेटा इधर आओ, ये छोटे बच्चे भी हैं जिनसे देखिए प्रचार प्रसार करवाया जा रहा है, तो जो पहले ही नियमों को ताक पर रख पर। इसके अलावा देख सकते हैं, प्रचार प्रसार के लिए शासन प्रशासन ने गाड़ियों को भी निर्धारित किया हुआ है कि कितनी गाड़ियाँ हो सकती हैं, लेकिन ये लाइन से गाड़ियाँ हैं और कुल मिलाकर पूरी तरह से नियमों को ताक पर रख दिया गया है और यहाँ पर नियमों का बिल्कुल ध्यान नहीं दिया जा रहा है। ऐसे में प्रशासन को सख्त होना पड़ेगा और कार्रवाई करनी पड़ेगी, तब जाकर ये लोग जो चुनाव प्रचार कर रहे हैं इनमें सुधार होगा। नहीं